कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुदाम के फजलो करम से खैरियत से होंगे। आज मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ बैंगन का भरता और बैंगन का सालन लेके। ये हम दोनों चीज़ें मिक्स करके बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके से। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें, मैंने चार छोटे बैंगन जो हैं वो चूल्हे पे पहले इसको मैंने पका लिया। अब ये पक गए हैं, अभी हम इसको पानी में डाल देंगे। ये देखें, ये पानी में हमने डाल दिए। अब हम लेते हैं बैंगन। आपने बैंगनों को बिल्कुल बारीक बारीक चकोर शेप में काट लेना। ये आपने जो ऊपर वाला इसका बैंगन का ये हिस्सा है इसको आपने पूरा रखना है और दरमियान में से बैंगन को काट लेना है। बहुत ही मज़ेदार बनने लगा है, आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करना। मेरे अभी सब्सक्राइबर बहुत कम हैं और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये दोपहर का टाइम है और ये मज़े की डिश जो है ना ये तैयार होने लगी है। बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से ऊपर हाथ करो, थोड़ा ऊपर हाथ करो। पूरी बनने देना, बॉल में इसको काट लेना। बहुत से बच्चे हैं जो बैंगन शौक से नहीं खाते, आप इस तरह बनाएंगे तो बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। ये आपने इसके ऊपर दही डाल लेना। ये घर का दही है जो मैंने खुद बनाया था। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, थोड़ा हाथ ऊपर करो। नमक हसबे जायका, कुटी हुई लाल मिर्च 2 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, सूखा धनिया 1/2 चम्मच और ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्च दादड़ कर लें इसको आप। फिर इसको भी आपने मिक्स करना है अच्छी तरह से।
यही तो व्यूवर्स, ये देखें ये अच्छी तरह दही और मसालों में मिक्स हो गया। अब हम इसको रख देंगे और हम अब हमने लिए हैं 5 से 6 अदर टमाटर। ये टमाटर को आपने लंबाई में यूं सिर्फ काटना, ये देखिए यूं। जो बच्चे कहते हैं ना हमें बैंगन पसंद नहीं है, आप ये ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट में बताएं कि आपके बच्चे कितने शौक से ये खाएं। सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में इस्तेमाल करें, फ्रूट का इस्तेमाल करें। चटनी का इस्तेमाल करें, अभी मैं चटनी भी बनाने लगी हूँ। ये पैन के नीचे हम चूल्हा ऑन करेंगे, थोड़ा पीछे करो फिर गर्म हो जाएगा फोन। ये पैन में हम डालेंगे ऑयल, ऑयल आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। अब ऑयल जितनी देर गर्म हो रहा है, ये हरी मिर्चों के दरमियान में से ये काफ़ी बड़ी वाली हरी मिर्ची है, अब इसके दरमियान में से हम लोग पट लगा देंगे। ये देखिए यूँ करके इसको कट आप में लगा देंगे। ये 4 मैंने हरी मिर्च ले ली है, अब ये पैन में हम डालेंगे टमाटर। ऑयल के अंदर टमाटर का भी आपने पेस्ट बना लेना बिल्कुल, अभी ये नरम हो जाएंगे सुबह खुद ये सारा पेस्ट बन जाएगा। ये वाले जो बैंगन है इसके हम ऊपर से ये छिलके उतार देंगे। ये हमारा बैंगन तो ज़्यादा जल गया लेकिन कोई नहीं, अंदर से जो इसका गूदा है वो बिल्कुल साफ। Thank you.
जल्दी से किसी तरह। ये देखिए, ये हमारे जो टमाटर हैं ये लाल होना शुरू हो गए, और इसके अंदर आजकल आपको पता है गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, अपना खास ख्याल रखें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, पुदीने की चटनी बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं, पुदीने का पानी पिए, लेमन डाल के कंजरी बना के उसमें थोड़ा सा पुदीना डाल के वो खुद भी पिए, बच्चों को भी खिलाएं। आँच बिल्कुल हल्की करेंगे, इसमें सिर्फ टमाटर डलते हैं, प्याज नहीं डलते, अदरक लहसुन नहीं डलता, इसमें सिर्फ और सिर्फ टमाटर डलते हैं। अच्छी तरह से जो है टमाटर जो है मिक्स हो गए हैं, बिल्कुल मेल्ट हो गए हैं, देखें। इसमें डालेंगे ये पैन और ये हरी मिर्ची, तो बैंगन को आपने अंदर टमाटरों के साथ ही आपने इसको मेल्ट कर देना। पानी डालने की खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनके दही है पहले से, ये देख कितना अच्छा और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हम इसमें डालेंगे ये जो मैंने दही में बाकी के पहले काट के रखे थे, इसमें सारे नमक मिर्च ज़ीरा हल्दी सूखा धनिया पिसा हुआ सब कुछ मैंने मिला दिया, इसमें पानी की जरूरत नहीं है। आपने इसको ढक देना, आंच हल्की कर देनी है और इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे, और जैसे ही ये पकता है फिर मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। जी तो व्यूवर्स, ये देखें हमारे बैंगन बिल्कुल तैयार हैं, ये देखें। अब मैं इसको एक प्लेट में ड्रेसिंग करती हूँ इसकी अच्छे से, ये देखिए कितने अच्छे और मज़ेदार लग रहे हैं। चलें जी, इसको हम डिश आउट करते हैं एक प्लेट में और मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो व्यूवर्स, ये देखें हमारे बैंगन बिल्कुल रेडी हैं, ये साथ मैंने फुलके बना लिए थे, ये देखें बैंगन, खीरे काटे हैं, थोड़ी प्याज काटी है,
साथ थोड़ी चटनी ऐड की है जी। तो अपने घर में आप तैयार करें और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, कमेंट में बताएं। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। मेरे सब्सक्राइबर अभी बहुत कम हैं और मुझे आपके प्यार की बहुत सख्त ज़रूरत है, और प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को भी दबाया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और अपने बच्चों का, अपने घर का ख्याल रखें। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।